आप देखिए इस बहुत ही बढ़िया माउथ मेल्टिंग गाजर की मिठाई को, जितनी बढ़िया दिख रही है इससे कई ज़्यादा टेस्टी है। इसे बनाना तो बनता है। हेलो व्यूअर्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस रेसिपी के लिए मैं ले रही हूँ 3 गाजर। इसकी छिलका निकाल के इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट के इसी तरह से कुकर में डाल देंगे। इस रेसिपी के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस 3-4 स्टेप से। आप इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी हम डालेंगे इसमें दूध। ये मेरे पास पहले उबली हुई दूध है, ये 500 मिलीलीटर है। अभी हम इसमें से आधे से थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में बाकी दूध को हम डालेंगे। अभी मैं एक छोटा सा बीट को छिलका निकाल के डाल रही हूँ। 3 साबुत इलायची को भी मैं इसमें डाल दूंगी। अगर आप बीट डालना नहीं चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसके बदले और एक गाजर डाल सकते हैं। अभी हम ढक्कन बंद करके 2-3 सीटी आने तक पकाएंगे। प्रेशर ख़त्म होने तक इसे आप रख दीजिए। अभी हम ढक्कन खोल के देखेंगे। आप देख सकते हैं गाजर और बीट अच्छे से पक गए हैं। अभी मैं मिक्सचर जार लेंगे, इसमें इसे डाल देंगे। इन्हें हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसके बाद हम अच्छे से फाइन पेस्ट इसका बनाएंगे। सभी दूध को हम नहीं डालेंगे, थोड़ा सा बचा के रखेंगे, नहीं तो पेस्ट होने में दिक्कत होगी। ठंडा होने के बाद इसका पेस्ट अभी तैयार है, आप देख सकते हैं। जिस पैन में आप इसे पकाएंगे उसमें आप पहले छान लीजिए। आपके पास जो भी छलनी है आप इसमें छान सकते हैं। मेरे पास ये वाला छलनी है तो किसी भी चीज़ को छानने में आसान हो जाती है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। साइड में जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिएगा और साथ में ऑल पर क्लिक कीजिएगा। ऐसा करने से मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। जो थोड़ा दूध बचा था इसे मैं मिक्सर जार में डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करके छान लूंगी। ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है, आप इसे ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें साबुत इलायची डाली थी। अभी कढ़ाई को ले चलेंगे चूल्हे की तरफ, लेकिन अभी चूल्हे को हम ऑन नहीं करेंगे। इसमें अभी हम डालेंगे 1/2 कप चीनी, 1/4 कप कॉर्नफ्लोर। चम्मच से नापेंगे तो 4 चम्मच भर के लेंगे। फिर से हम 1/4 कप मिल्क पाउडर लेंगे या फिर आप 4 खाने की चम्मच भर के लेंगे। पहले हम इसे बढ़िया से मिक्स कर देंगे, फिर चूल्हे को ऑन करेंगे। अभी मैं पूरी तरह से इसे मिक्स कर चुकी हूँ। मैं यहाँ पर एक नॉनस्टिक कढ़ाई ली है, आप किसी भी एक हेवी तले की बर्तन भी ले सकते हैं, नहीं तो ये नीचे चिपक के जलने की चांस है। अभी मैं यहाँ पर 2 चम्मच घी डाल रही हूँ, 2 छोटे चम्मच। आप इसे लगातार स्टर करते रहिए। अभी मैं यहाँ पर और 1 चम्मच डाल रही हूँ घी, ये टीस्पून है। इस चम्मच से हम 4 चम्मच घी डालेंगे। मैं 3 चम्मच घी डाल चुकी हूँ। धीरे धीरे देखिए इसकी टेक्सचर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रही है। इसे हम और 2-3 मिनट इस तरह से चला के थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। अभी हम इसमें लास्ट चम्मच घी डालेंगे। अब हम इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे। मैं यहाँ पर एक बॉल के अंदर थोड़ा सा घी डाल के इसे ग्रीस कर रही हूँ। हमें गाजर के इस मिश्रण को इसमें डालना है। ये मिश्रण अभी बिल्कुल तैयार है, आप देख रहे हैं कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। अभी हम इसे ग्रीस की हुई बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए मैं गाजर के साथ एक बीट लिया है, अगर आपके पास बीट अवेलेबल नहीं है तो आप और एक गाजर डाल के इसे कर सकते हैं, बीट को आप स्किप कर सकते हैं। अभी हम इसे इवन कर लेंगे अच्छे से।
पहले हम इसे ठंडा करेंगे और बाद में इसे 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। अभी 4 घंटे के बाद मैं फ्रिज से इसे निकाल रही हूँ और साइड से थोड़ा सा चाकू से इस तरह से हम हटा देंगे इसे। ऐसा करने से ये आसानी से निकल जाएगी। अब हम इस प्लेट को इसके ऊपर रखेंगे और इसे उल्टा करके हम निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली सेट हुई है। अभी मैं इसे थोड़ा सा चाकू से कट कर लूँगी टुकड़ों में। आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। कितनी शाइनी आ रहा है और कलर कितनी उभर के आ रहा है आप देख रहे हैं ना। काजू को मैंने बारीक बारीक काट लिया था और इसे अभी गार्निश कर रही हूँ डाल के। इसके साथ मैं थोड़ा सा पिस्ता भी डाल रही हूँ। हमारा गाजर की पुडिंग अभी बनकर तैयार है। कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है ना। अभी मैं आपको एक पीस निकाल के दिखा रही हूँ। अगर आपके बच्चे गाजर नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से बना के दीजिए, वो जरूर खा लेंगे खुशी खुशी। ये देखिए मैं पास में आपको दिखा रही हूँ, कितनी ज्यादा बढ़िया दिख रही है। अभी मैं आपको टेस्ट करके बता रही हूँ, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं और एक आपको पास में दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है और माउथ मेल्टिंग है, तो इसे ट्राई करना बनता है ना। वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।